हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो सब टीवी के अपकमिंग शो जिद्दी दिल का प्रोमो लॉन्च हो चुका है और इसी शो की फुल डिटेल्स के बारे में, सारे डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, सारा स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइज, कॉन्सेप्ट, स्टोरी, कास्ट सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज, हम बात कर लेते हैं शो किस तरह का होने वाला है। तो गाइज, ये जो नया शो आने वाला है, ये एक नया रोमांस ड्रिवन और यूथफुल शो होने वाला है, यानी कि यंग लोगों की कहानी पर बेस्ड होने वाला है शो, और काफ़ी ज़्यादा रोमांस ड्रिवन होने वाला है। और गाइज, ये SAAF के बैकड्रॉप में सेट है, यानी कि स्पेशल एक्शन फोर्स के कैंप, उसी कहानी पे बेस्ड है, आई मीन उसके बैकड्रॉप पे सेट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियोस में कि आर्मी के बैकड्रॉप में एक तरह से सेट होने वाला है ये शो। तो गाइज, ये शो 6 कैरेक्टर्स के आसपास रिवॉल्व करने वाला है मेनली, जो कि अपनी एस्पिरेशंस पूरे करने की ट्राई करते हैं, वो फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, और उसी टाइम पे अपना रोमांस वगैरह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस कैंप पर। और शो काफ़ी तरह इस पे भी बेस्ड होगा कि कैसे वो फिट करते हैं इस कैंप पे और कैसे सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का शो का कॉन्सेप्ट होने वाला है, और जो कि काफ़ी पूरी तरह से बेस्ड होने वाला है रोमांस पर। तो एक रोमांटिक कॉमेडी होने वाली है, लेकिन आपको इसमें एक्शन वगैरह सभी देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, शो में मल्टीपल मेन लीड्स और मल्टीपल फीमेल लीड्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था, 6 मेन लीड्स हैं टोटल इस शो में। अब हम सारे मेन लीड्स को देख लेते हैं और उनके करेक्टर का नाम और उनके करेक्टर की क्या क्या बातें हैं, सारे हम डिटेल में जान लेते हैं। तो गाइज, एक्टर शालीन मल्होत्रा प्ले करने वाले हैं स्पेशल एजेंट करण शेरगिल का रोल। तो गाइज, ये एक हार्डकोर पैट्रियट होगा ये करेक्टर करण शेरगिल का। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन वगैरह होगा और इसका बिलीफ ऐसे होगा, आई मीन ये लोगों के प्रति सिंपथी वगैरह नहीं रखता होगा, जैसा कि आपने प्रोमो में भी जिसकी ग्लिम्प्स देख ली है। तो ये जो करेक्टर प्ले करने वाले हैं शालीन मल्होत्रा, ये भी मेन लीड्स में से एक हैं, और एजेंट करण शेरगिल, स्पेशल एजेंट करण शेरगिल, इनके करेक्टर का नाम होने वाला है। पूरी तरह से ये पैट्रियट हैं, काफ़ी हार्डकोर पैट्रियट हैं। और गाइज, इनके ऑपोजिट जिसको पेयर किया जाएगा वो होने वाली हैं कावेरी प्रियम एक्ट्रेस, जो कि डॉक्टर मोनामी का रोल प्ले करने वाली हैं। तो गाइज, उसका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से अलग है जो करण शेरगिल का पर्सपेक्टिव है उससे, यानी कि वो बिलीव करती हैं कि लोगों के प्रति केयर वगैरह करती हैं, वो लोगों की सिंपथी वगैरह रखती हैं, और वो इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करेंगी करण शेरगिल के पर्सपेक्टिव को, जैसा कि आपने प्रोमो में भी देखा ही है। तो गाइज, उसका करेक्टर काफ़ी केयरिंग वगैरह होगा, यानी कि दोनों करेक्टर्स आपस में काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब बढ़ते हैं कुणाल करण कपूर के करेक्टर के बारे में। लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इनके करेक्टर के लिए, तो अब हम बात कर लेते हैं। प्रोमो में आपने इनकी लुक तो देख ही ली है। ये रोल प्ले करने वाले हैं सेठ गंजू का। तो गाइज, इनको अकेडमी का नवाब भी कहा जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिच, स्पॉइल्ड और केयरलेस पर्सन है। आई मीन अपनी फुलफिल जो ड्यूटी है उसको फुलफ़िल करने में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, काफ़ी केयरलेस हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं और स्पॉइल्ड हैं, यानी कि बिगड़े हुए हैं। तो इस तरह का इनका करेक्टर होने वाला है। इनके ऑपोजिट जिसको पेयर किया गया है वो है दिलजोत छाबरा। तो गाइज, इनके बारे में मैंने आपको बताया था पहले, दिलजोत छाबरा भी वन ऑफ द मेन लीड्स हैं, और इनके करेक्टर का नाम होने वाला है स्पेशल एजेंट संजना। तो गाइज, ये जो करेक्टर होने वाला है संजना का, काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ पर्सनैलिटी होने वाली है इसकी, लेकिन ये जो इसका दिल है पूरी तरह से ज़िद्द से भरा रहेगा। तो काफ़ी ज़िद्दी होने वाला है ये करेक्टर जो कि संजना का होगा, और इसका स्पेशल एजेंट संजना पूरा करेक्टर का नाम है। दिलजोत छाबरा इस करेक्टर को प्ले करने वाली हैं, ये मैं ऑलरेडी सारी। तो गाइज, अब हम बढ़ते हैं अगली जोड़ी की तरफ। अगली जोड़ी में से सिंपल कॉल, तो गाइज ये भी वन ऑफ द मेन फीमेल लीड्स हैं, आपने प्रोमो में देखी होंगी, तो ये भी शो में प्ले करने वाली हैं इंपॉर्टेंट रोल। और ये आपने इनको तारक मेहता या फिर जिनी और जूजू भाकरवड़ी किसी ना किसी सब टीवी के शो में ज़रूर देखा ही होगा। तो गाइज, इनके करेक्टर का नाम होने वाला है नर्स कोयल, और ये काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एक ऐसी वुमेन का रोल प्ले करने वाली हैं जिसके पास प्यार व्यार के लिए कोई भी टाइम नहीं है, प्यार व्यार से दूर रहती हैं। तो इस तरह का कॉन्फिडेंट वुमेन का रोल प्ले करने वाली हैं। इनके ऑपोजिट जिनको रोल में रोपिन किया गया है वो है आदित्य देशमुख। तो गाइज, आदित्य देशमुख का जो रोल है वो पूरी तरह से उसका जो करेक्टर है वो ऑपोजिट होने वाला है नर्स कोयल से। फैजी होने वाला है इनका नाम करेक्टर का। और गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा इनको हैबिट होगी फ्लर्ट वगैरह करने की लड़कियों के साथ, और इनको ऑपोजिट सिंपल कॉल के करेक्टर के ऑपोजिट इनको पेयर किया गया है, यानी कि नर्स कोयल के ऑपोजिट। तो इस तरह के जो ये 3 जोड़ियाँ बन गई हैं इस शो में, और 6 मेन लीड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको कास्ट वगैरह के बारे में पहले भी बताया था। और गाइज, आशीष कौल भी प्ले करने वाले हैं इस शो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, वन ऑफ द मेन लीड्स। ये जो 6 मेन लीड्स हैं इनमें से किसी एक के फादर फिगर का वो रोल प्ले करने वाले हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर उनका होने वाला है।
और गैस प्रथमेश शर्मा को भी किसी रोल में रोपिन किया गया है, अभी के लिए उनका रोल क्या है पता नहीं। बाकी सत्य के टी मिश्रा को भी किसी रोल में रोपिन किया गया है, उनके भी करेक्टर पे डिटेल्स अभी के लिए नहीं है। गैस मैंने आपको सारी कास्ट की डिटेल्स वगैरह दे दी हैं। और गैस ये शो लॉन्च होने वाला है अगस्त में, काफी चांस है कि 13 यार हुमे को रिप्लेस करे, लेकिन फिलहाल के लिए कन्फर्म्ड नहीं है। और गैस इसी शो पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, जैसे कि किसको रिप्लेस करेगा, कौन सी टाइम स्लॉट पे आएगा वगैरह वगैरह, और कास्ट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। तो उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें, चैनल से जुड़े रहें। और गाइस सनशाइन प्रोडक्शंस इस शो को ला रही है, और कहानी कैसी होने वाली है शो की मैंने आपको बताई दी है। एक कैंप में कैसे सर्वाइव करेंगे, वो जर्नी वगैरह वो सब दिखाएंगे, बाकी इनका रोमांस वगैरह कॉमेडी सब देखने को मिलेगी आपको इस सीरियल में। तो ये पैकेज होने वाला है शो, इस पे सारी डिटेल्स अपकमिंग जो होंगी, सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। तो गाइस सब टीवी की सारी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।